सुबह में आज तुम्हारे टीममेट पांडा, जो तुम्हारा साथ जूनियर प्लेयर है, उसका आज बर्थडे मनाया गया, तो आपको कैसा लग रहा है? उसके ऊपर 2 शब्द कहें और उसके बारे में कुछ बताएं। तो आज पांडा, मतलब उतने दिन से इसको भी पता नहीं था कि इसका बर्थडे किस तारीख का, तो आज हमें पता चला है कि मतलब इसका बर्थडे है, तो फिर आज हम इसका बर्थडे मना रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि आज पहली बार पांडा का बर्थडे मनाया जा रहा है, तो पांडा भी बहुत खुश है और वो पूरा केक से पूरा उसका चेहरा लथपथ हो चुका है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज के दिन मतलब हमारे पांडा ब्रो का बर्थडे था। तो आज ये कहना चाहूँगा कि पांडा जिए हजारों साल और खुश रहे, हजार साल नहीं जिएगा। आज के इस दिन पे हम पांडा को बहुत विश करना चाहेंगे, हैप्पी बर्थडे पांडा, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिन की। आप तो कैसा लगा सरप्राइज? ठीक ठाक था ना? तो ज़्यादा कुछ तो प्लान नहीं कर पाए, कहीं कि पैसे वैसे का भी बहुत कमी चल रहा है, 2-3 जगह पे एंट्री किए हैं, तो मैं हर जगह गरीबी में होता। हाँ तो गरीबी में ही है जिम, क्या कर सका ही है, गरीबी में ही है। तो बहुत कुछ तो नहीं बोलना चाहेंगे, थोड़ा ही सा शब्द है, ऐसे ही सबका चाहिदा बनता रहो, बने रहो ऐसे ही, अच्छी तरीके से फुटबॉल खेलते रहो और तरक्की करना, बड़ा लोग का बात माना करो तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे बात तो मानता ही है, इसलिए सबका चाहिदा है, ताकि ऐसे ही अच्छे से खुश रहो, सुरक्षित रहो, मजा करते रहो, बस और का बोलेंगे। तो पांडा बताओ, आज तुम्हारा बर्थडे मनाया गया पहली बार, तुमको कैसा लगा? बहुत अच्छा। और सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और आगे कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, हो गया। तो सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे पांडा सर अभी? तो अभी आपका पिटाई होने वाला, आपको पता है कि नहीं? नहीं। तो पिटाई के लिए तैयार है ना? कितना कुटाई होगा अभी जान रहे हो ना? जितना भी चेहरा में अथी लगा उतना ज्यादा पिटाई होगा, आपको पता है ना? नहीं नहीं पता, तो ठीक है, अभी पता चल जाएगा, आप लोग बने रहिए।